तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं बी एच मोला अपने यूट्यूब चैनल बी एच मोला से और पहाड़ की इन खूबसूरत वादियों से। तो चलता है ब्लॉग को करते हैं शुरू। ब्लॉग होने वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग, तो चलते हैं। आज बनाते हैं पतिउड़। पतिउड़ बनाना सिखाता हूँ मैं आपको। तो गढ़वाल में कैसे बनाते हैं पतिउड़, तो खेत से लेकर रखा हूँ मैं पतिउड़ पत्ते पिनालू के, तो बनाते हैं पतिउड़। तो कैसा रहा ब्लॉग, कैसा है जरूर बताइए। और हाँ, पतिउड़ बनाना सीखते हैं। तो आज बनने वाले जो पतिउड़ और ये हैं पिनालू के पत्ते। तो पतिउड़ बनवाने से पहले ये जरा धोएं छन पिनाला पत्ता, जरा साफ सुफ करी। ते बाद ये ऐसे करके रख दिए, बहुत छोटे छोटे से पत्ते लाए मैं तो पिनालू के, और इनको एकदम साफ करा ऐसा। और उसके बाद ये देखिए आप, ये बेसन है, बेसन में थोड़ा सा हल्दी और इधर नमक मिर्च सब मिला दिया गया है। और ये है भंगजीरा, और भंगजीरे में एकदम अब देखने में कूटने वाला हूँ इसको यहाँ। तो ये है भंगजीरा और इसको एकदम बारीक बारीक सा कूटना है, उसके बाद डालेंगे यहाँ। तो ये डाल दिया है मैंने भंगजीरा भी, और इसको मिलाऊंगा। अभी डालूंगा मैं इसके ऊपर पानी। ये पानी डाल करके इसको मिला दिया गया है ऐसे, और जब पूरा मिला दिया जाएगा इसको, तो उसके बाद बताता हूँ मैं कि होता है क्या। तो दगड़ियों, ये कर दिया मैंने ऐसा मैस एकदम बढ़िया सा बेहतरीन सा, और इसके बाद लगाऊंगा मैं इस पर, तो बताता हूँ मैं आपको। दगड़ियों, ये डाल दिया है मैंने कस्तूरी मेथी भी इसमें, और ये देखिए आपका एकदम टेस्ट बहुत ही बेहतरीन सा आने वाला है। तो ये कस्तूरी मेथी को मैं घुमा रहा हूँ एकदम बढ़िया सा बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इसको। ये बन रहा पत्यू। दगड़ियों, ये डाल दिया है मैंने कस्तूरी मेथी भी इसमें, और ये देखिए आपका एकदम टेस्ट बहुत ही बेहतरीन सा आने वाला है। तो ये कस्तूरी मेथी को मैं घुमा रहा हूँ एकदम बढ़िया सा बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इसको। ये बन रहा पत्यू। तो हेलो फ्रेंड्स, दियो ये डंडी भी हटा देनी पड़ेगी इसकी। और ये देखिए लगा दिया है एकदम, आप चम्मच से एकदम ऐसे ऐसे करके इसको लगा सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से लगाना पड़ता है ये सारी जो, ताकि एकदम बेहतरीन सा हो जाए। ये देखिए आप, बहुत ही प्यार से एकदम बेहतरीन तरीके से लगाना पड़ेगा आपको इसको ऐसे। और उसके बाद इसको फोल्ड करते हुए दिखाऊंगा मैं आपको कि ये फोल्ड कैसा होगा, एकदम बेहतरीन सा फोल्ड। अब ये रखना पड़ेगा इसके ऊपर एकदम बिल्कुल बेहतरीन सा ऐसा, ताकि एक दूसरे को ऊपर आ जाए। फिर इसके ऊपर फिर लगाना पड़ेगा ये फिर, और ये ऐसे लगाना पड़ेगा आपको ऐसे, देखिए आप। तो ये बन रहा है गढ़वाली पतिउड़। बनो भाई आज हैं, और एकदम कभी मेरी दादी खवन से आज मैं अपने आप बना रहा हूँ गढ़वाली पतिउड़ एकदम बेहतरीन सा, और एकदम बेहतरीन बनने वाला ये देखिए आप। ये तो आपको भी खाना होगा तो ज़रूर आइएगा अगस्त महीने में। तो अभी तो बन ही रहा है, और रखना होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि भैया आज खाना है पतिउड़। और ये, और फिर इसके ऊपर एक और रख दो, इसके ऊपर एक और रख देंगे ऐसे। ये तो जितनी लेयर आपको पसंद हो उतनी लेयर भैया, और एकदम बेहतरीन सा। तो ऐसे ऐसे करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करके होता है लास्ट पतिउड़ तैयार। तो दगड़ियों, अब इसको करना पड़ रहा है एकदम ऐसे फोल्ड, और उसके बाद इसको तागे से बांध देना पड़ेगा। तो ये तो हो गया एक बहुत ही बेहतरीन सा, इसके बाहर भी लगाना पड़ेगा आपको हल्का हल्का सा, थोड़ा थोड़ा सा लगा के छोड़ देंगे एकदम। तो दगड़ियों, अब ये हो गए हैं एकदम ऐसे तैयार, और इनको लगा दिया गया है, देखिए धागा से इसको बांध दिया गया है। तो ये बनकर हो गए हैं ऐसे, और अब स्टीमर का यूज़ करना है। ये देखिए स्टीमर, और ये नीचे लगा दिया है मैंने तेल ये, ताकि ये चिपके नहीं। तो अगर आपके पास ऐसे नहीं तो प्रेशर में बना सकते हैं। तो ये ऐसा बन करके हो गया है एकदम रेडी। तो यहाँ लगाने के लिए आपको लेना पड़ेगा तेल, और तेल को लगाना पड़ेगा यहाँ, और स्टीमर हो रहा है एकदम तैयार एकदम बेहतरीन सा। तो दगड़ियों, अब ये देखो स्टीमर में मैंने रख दिए हैं पतिउड़, और इधर थोड़ा सा मिर्ची, और ये देखिए स्टीमर उबलने बैठ गया है। और इसके बाद लगा देता हूँ मैं इसमें डट्टा, और कहेगा मुखमा पानी जरूर बताए। वाह दगड़ियों,
ये बनी तो हुई तैयार एकदम प्योर बहुत ही बेहतरीन। और अब मैं इसको एकदम निकालता हूँ बहुत ही अच्छे ढंग से और रखता हूँ यहाँ पे, और इसके बाद इसको कट करूँगा और खाने के लिए हो जाएगा ये एकदम बेहतरीन सा। तो ये हो गया है पत्यूड़, तो कैसा लग रहा है जरूर बताएं दड़ियो। और खाना एकदम लजीज देखिए अब आहा मस्त। और कट करके बताऊंगा मैं इसको कि लग कैसा रहा है एकदम। ये देखो मिर्च भी लाल लाल, मिर्च भी एकदम और बेहतरीन। ओहो तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको पत्यूड़ बनाना जरूर बताएगा। और हाँ चैनल पर नए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। और ब्लॉग भी तो नहीं बने, पहली बार पत्यूड़ बोलने लगा तो कैसा लगा ब्लॉग जरूर बताएगा।